20 साल तक गवर्नमेंट अपना बस है, मुझे भी क्या जाने के लिए, लेकिन ये तू कदम तो अभी देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर आज का संगठन को लेकर ट्रेनिंग को या ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ बोलना चाहिए? हम लोग के लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ बहुत पहले हम लोग एक एंटी करप्शन फाउंडेशन यूनिट खोला था, तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन राउंड के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम खिलाया गया स्टेट लेवल से, और ये ऑर्गेनाइज बाई लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट ACF यूनिट जो यहाँ का प्रेसिडेंट और GS और टीम मिल के ऑर्गेनाइज किया गया। तो हम लोग यहाँ अवेयरनेस इन सब्जेक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का इसका अवेयरनेस किया आज, और पार्टिसिपेंट लोग काफ़ी अच्छा सिखाया, प्रैक्टिकल चीज़ को सिखाया, और साथ में हम लोग एडिशनल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो प्रिंसिपल एक्ट है 1988 और जो न्यू अमेंडमेंट 2018 में, तो इसका बेसिक चीज़ का हम लोग सिखाया, ये दोनों को लेके जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ जानना चाहिए उन लोग को, जो हम लोग का लोगों को, तो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यही चीज़ को अवेयरनेस करने के लिए इस टीम से आया है। सर फ्यूचर में अगर आपका जो ACF है उसका जो कोई भी मेंबर अगर RTI नहीं करेगा या कुछ प्रॉब्लम आगे बाई चांस प्रॉब्लम होता है तो आप कहाँ तक साथ देंगे? RTI एक्टिविस्ट अगर हम लोग एंटी करप्शन फाउंडेशन लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट अगर RTI एक्टिविस्ट बन एप्लीकेशन फाइलिंग करता है तो इसमें तो प्रॉब्लम आने का जगह नहीं है, क्योंकि ये एक हथियार है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान जो दिया गया है, ये एक्ट का द्वारा से डॉक्यूमेंट्स को आप परस्यू कर सकता है और मांग सकता है पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, सो इसमें कुछ खतरनाक चीज़ नहीं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट जो परस्यू करने का एक लॉ बनाया गया, और ये जो हर एक लोगों को दिया गया ये अधिकार जो ये संविधान जो इंडिया का। तो सर एक चीज़ है लास्टली, जो मेंबर नया मेंबर आना चाहे ना, तो आपका ACF में ऐसा कुछ शायद जितना मैंने देखा कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, सैलरीज नहीं होगा, तो उसको खुद का पॉकेट कैसे चलना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी के लिए अपना जो काम भी नहीं कर पाएगा अगर समय देगा तो कैसे चलेगा? देखो सोसाइटी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लोग का अपना से हम लोग को चलाना पड़ता है, और कोई वही वर्षा कोई मदद करना चाहता है तो इसको भी हम लोग वेलकम है, तो यह कोई हम लोग सैलरी नहीं है, ये प्राइमरी मेंबरशिप लेके डिस्ट्रिक्ट में एजुकेटिव मेंबर्स रख के एक विजिलेंस करना है प्रोजेक्ट के ऊपर पर, और गवर्नमेंट जो भी अगर पान देते हैं इसके ऊपर पर, और जिस ऑल राउंडर में हर चीज़ में ये एक विजिलेंस करके अपना से वॉलेंटियरली काम करना, ताकि अपना सोसाइटी अच्छा हो जाए, अपना डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो, इकोनॉमिक में आगे बढ़ो और करप्शन से जो और दूर हो जाओ, ये अपना के लिए काम आएगा, अपना सोसाइटी अपना कम्युनिटी में अपना विलेज लेवल में।